जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लेन नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट के फ्रेंड जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आपका दोस्तों जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और आपकी ड्यूटी फ्रेंड्स में कहाँ कहाँ लगती है और आपका प्रमोशन कितने साल में होता है, ठीक है। हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने दोनों फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, IDPP ड्राइवर IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट, आपके लिए दोस्तों बेस्ट जॉब कौन सी है, हम ये डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं कुछ ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, आपकी टोटल वैकेंसीज में 85 है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। ड्यूटी लोकेशन के बारे में बात करूँ, कई फ्रेंड्स का कमेंट आता है कि सर ड्यूटी हमारी किस जगह पे आएगी, काफी अहम सवाल बन जाता है ये। तो फ्रेंड्स आपको बता दो, आपकी जो ड्यूटी है दोस्तों पहाड़ी जगह आएगी, पहाड़ी इलाके जो होते हैं जैसे कि फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर, मान लो उत्तराखंड मान लीजिए आप, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो होता है, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों बर्फबारी होती है, उस जगह IDPP की ड्यूटी आती है। जाए मतलब अगर आप IDPP कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, आप किसी भी पोस्ट पे IDPP में, आपकी जो दोस्तों जो पोस्टिंग है दोस्तों वो हमेशा उस जगह पे आएगी जहाँ पे बर्फीला एरिया होगा या फिर पहाड़ी इलाका होगा, आपकी वहां पे ड्यूटी आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आपकी दिल्ली या फिर मुंबई इस जगह ड्यूटी आएगी, ऐसा नहीं है। आपकी ड्यूटी दोस्तों वहां पे आएगी जहाँ पे बर्फीला एरिया होगा, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा, ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, इस जगह आपकी ड्यूटी आएगी। और ये भी नहीं है कि आपकी दिल्ली ड्यूटी नहीं आएगी, दिल्ली भी इसके कैंप होते हैं, तो आपकी आपके अगर आपका अच्छा लक है तो आपकी दिल्ली भी ड्यूटी आ सकती है, मुंबई भी ड्यूटी आ सकती है। लेकिन 80% केस में आपकी ड्यूटी उत्तराखंड सियाचिन ग्लेशियर या फिर पहाड़ी इलाकों में आती है, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, आपका जॉब प्रोफाइल इसमें कैसा होता है, आपसे दोस्तों वहाँ पे क्या क्या काम करवाया जाता है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो फ्रेंड्स आपको मैं कुछ पिक्स दिखाऊंगा, आप उस पिक्स देख के आप मतलब अनुमान लगाइएगा आपसे क्या क्या वहाँ पे काम करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पिक दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो पिक देख रहे हो दोस्तों, ये सब आपका IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट में काम होता है, ठीक है। जो भी डोगी होते हैं उनका मतलब कि उनको खाना देना या फिर उनको घुमाना या फिर कोई कुछ भी दंगा हो जाता है वहाँ पे डोगी लेके जाना, ठीक है, ये सब आपका वहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट में काम होता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं वो जा नहीं पाते फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो उनके हॉर्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनके थ्रू आपको उनका सामान वहाँ पे मतलब फॉरवर्ड करना होता है, लेके जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो वीडियो में, आपका कुछ इस प्रकार से काम होता है वहां पे, ठीक है, IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट में। आप फ्रेंड्स जो पिक देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको डोगी मतलब लेके कहीं जाने होंगे या फिर कुछ भी आपको काम होगा, तो ध्यान दीजिएगा अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपका काम ओनली एनिमल से रिलेटेड ही होगा। क्या सुना आपने, अगर आप IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट जॉब ज्वाइन कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके साथ एनिमल तो हमेशा रहेंगी साथ में, आपको उनकी देखा रेखी या फिर अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको एनिमल साथ में लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए अगर आप IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर रहे हो। दोस्तों आप देख रहे हो जो पानी में से जा रहे हैं दोस्तों ये हॉर्स लेके, ठीक है। तो आपकी जॉब प्रोफाइल दोस्तों यही होती है, आपको ओनली मतलब यही काम होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना हॉर्सेस पे, ठीक है, ये सब आपका वहाँ पे काम होता है IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। कई स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, देखिए जॉब प्रोफाइल इसमें अच्छा होता है वैसे, ठीक है। आपका जब ये काम तभी होता है जब आपको बुलावा आता है, तभी आपको कुछ सामान फॉरवर्ड करवाना पड़ता है ऐसे, ठीक है, इसमें काफी मेहनत भी लगती है, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे देखिए प्रमोशन कब होता है, किस स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये काफी अहम सवाल बन जाता है ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपका इसमें दोस्तों प्रमोशन होता है, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा। अगर आप इस जॉब में लग जाते हो IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट में या फिर IDPP कॉन्स्टेबल किसी भी जॉब में लग जाते हो, आप कॉन्स्टेबल स्टार्टिंग होती है, तो फ्रेंड्स आपका इसमें आप सबसे पहले इसमें हेड कॉन्स्टेबल बनते हो, फिर ASI बनते हो, फिर SI बनते हो, फिर इंस्पेक्टर बनते हो इसमें, ठीक है। अगर आप दोस्तों कॉन्स्टेबल में 8 साल जॉब कर लेते हो तो आपका दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल में आपका प्रमोशन हो जाता है, आप हेड कॉन्स्टेबल बन जाते हो अगर आप 8 या 9 साल इसमें कॉन्स्टेबल में ड्यूटी कर लेते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसमें क्या कहते हैं हेड कॉन्स्टेबल में 8 से 9 साल समथिंग ड्यूटी करने के बाद दोस्तों, अगर इसमें आप 9 साल ड्यूटी कर लेते हो हेड कॉन्स्टेबल में, तो दोस्तों आपका ASI में प्रमोशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका प्रमोशन इसमें होता ही रहता है, प्रमोशन की टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें प्रमोशन आपका 100% होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए बेस्ट जॉब, किसी ने कमेंट था कि सर इसमें IDPP कॉन्स्टेबल ड्राइवर अच्छी है, IDPP यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट अच्छी है। तो फ्रेंड्स आपको मैं सजेशन करूंगा दोस्तों, अगर आपके देखिए वैसे दोनों जॉब बेस्ट हैं, ठीक है, IDPP कॉन्स्टेबल ड्राइवर भी बेस्ट जॉब है, IDPP एनिमल ट्रांसपोर्ट भी बेस्ट जॉब है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंडेड करता है कि आपका मतलब कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में, आपका अगर आपकी ड्राइविंग काफी अच्छी है, बेहतरीन ड्राइविंग है,
तो आप आईटीबी एनिमल ट्रांसपोर्ट वाले ज्वाइन ना करके आईटीबी कॉन्स्टेबल ड्राइवर ज्वाइन कीजिएगा। क्या सुना आपने, अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ही बेस्ट है तो आप आईटीबी कॉन्स्टेबल ड्राइवर ज्वाइन कीजिएगा, ये जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपका ड्राइवर में मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है ड्राइविंग में तो आप एनिमल ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो, आपके लिए ये भी बहुत बेस्ट जॉब है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा दोस्तों, आप आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर में जाइएगा, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा काम नहीं होता, बहुत कम काम होता है आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर में, ठीक है। वैसे जॉब दोनों अच्छी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका जॉब प्रोफाइल था दोस्तों, मैंने जो आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स कुछ भी डाउट लगे वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप आईटीबीपी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ भी डाउट लगा मुझे कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड थैंक यू सो मच।